अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस समय गोली चलाने में मुन्ना शुक्ला जी वहाँ पर नहीं थे। कि जो देश में हमारा जो संविधान है वो संविधान खतरे में है। हम उनसे अपील करना चाहेंगे, हम ब्रह्मवंशी समाज के आपके साथ हम लोग कल भी खड़ा थे, आज भी खड़ा है और आने वाला समय भी हम लोग। सबसे पहले आप लोग आए अपील कार्यालय में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के जो श्रोता है उनको भी मेरे तरफ से सलाम है, आदाब है, सलाम है। देखिए मुन्ना शुक्ला जी के साथ जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसला से हम लोग संतुष्ट नहीं है, स्पष्ट हमारा कहना है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि उसी केस में और भी लोग थे, सूरजभान सिंह थे और कई लोग थे, राजन तिवारी भी थे, उन लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया गया। और जहां तक मुझे जानकारी है कि घटना जिस समय घटी थी उस समय गोली चलाने में मुन्ना शुक्ला जी वहां पर नहीं थे, उसके बावजूद भी इनको आजीवन कारावास दिया गया है। तो राजद परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और आगे भी हम लोग खड़ा रहेंगे। एक रमा देवी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो बोलती हुई आ रही है कि अमित शाह के इशारे पर ये सब जो है बिल्कुल संविधान, हम लोग तो पहले भी संविधान की रक्षा की बात करते थे कि जो देश में हमारा जो संविधान है वो संविधान खतरे में है और आज साफ उसी का नतीजा है कि आज साफ दिखलाई दे रहा है। माननीय पूर्व सांसद रामा देवी जी का जो बयान आया इससे बिल्कुल सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जो दे रहे हैं बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने सुना है उस चीज को कि बिल्कुल मीडिया के सामने आकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पर अमित शाह जी को उन्होंने बधाई दिया है, शुभकामना दिया है कि अमित शाह जी की वजह से हमें न्याय मिला है और उन्हें जो है कि मतलब कहने का मतलब है कि उनको आजीवन कारावास दिया गया है। तो हम लोग को पहले से भी न्यायालय और ये भाजपा वाले लोग जो है कि न्यायालय पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, मतलब संविधान को ये लोग जो है कि ताक पर रखे हुए है और ताक पर रख करके देश को ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है हम लोग दुख की घड़ी में है, राजद परिवार पूरा मर्माहत है इस घटना से, लेकिन भाजपा का ये जो कार्यकलाप हुआ है अमित शाह जी का ये उनका शासन का अंतिम किल जो है कि ये घटना जो है कि साबित होगा। मुन्ना शुक्ला के समाज से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे अपील करना चाहेंगे, हम ब्रह्मवंशी समाज के आपके साथ हम लोग कल भी खड़ा थे, आज भी खड़ा है और आने वाला समय भी हम लोग खड़ा है। हम लोग डगमगाने वाले लोग नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग हैं।